एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का आज भी मंत्री जी बयान कर देते हैं कि मैंने जो वादा किया था पूर्व मंत्री के मैं उसको पूरा करूंगा, ये करूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो लोग 1955 में जब रेलवे लाइन आई तो आप ये देखिए कि 45 और उनका 50 साल से ज़्यादा उसको हो गया, और जो लोगों को उस टाइम मकानों की रजिस्ट्रियाँ हुई, कमेटी ने दुकानें अलॉट की, उसको आज रेलवे कहती है 60-70 साल के बाद कि जी अनऑथराइज बैठे हैं, जी हमारी ज़मीन में बैठे हैं। जो आदमी इतने लंबे समय से ज़मीन पे बैठा है उसको तोड़ने के लिए, डिस्पोजेस करने के लिए कोई ना कोई कानून तो होगा। आप पब्लिक सेंटर का पब्लिक प्रोमिसेज एक्ट होता है जो रेलवे की प्रॉपर्टी को गवर्न करता है, उसके अंदर आप बदमा करते, उनको चांस देते कि इनका नक्शे की मपाई की जाती, ये रेलवे के नक्शे की क्या अथेंटिसिटी है, हमारी रजिस्ट्रियों की क्या अथेंटिसिटी है, हमने रजिस्ट्री कराई, सरकार ने अलॉटमेंट की, रजिस्ट्री हमारे पे कितने डायमेंशंस है, सीधा ज्यादती करके और सीधी दुकानें गिरा दी, 30 दुकानें गिरा दी गई बिल्कुल। और मंत्री जी कहने लगे जी कि इनको, फिर उसके बाद क्या है कि जो 30 दुकानें उस टाइम ये अनाउंसमेंट की जाती थी कि इनको मुआवजा मिलेगा, जो पोर्शन रेलवे ने गिराया उसका किसी सरकार ने, चाहे वो प्रांत की सरकार थी चाहे सेंट्रल की सरकार थी, कोई एक पैसा भी लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। इशू बहुत बहुत आपस में चलता है, कुछ बोला आगे कुछ बोलने की बात आई, जो ये फैक्ट है। उसके बाद उन तीन दुकानदारों 30 दुकानदारों में क्या हुआ कि जब उनकी आधी आधी दुकान टूट गई तो किसी के पास 5 गज जगह बच गई, किसी के पास 6 गज जगह बच गई, किसी के पास 10 गज जगह बच गई, 15 गज जगह बच गई, किसी के पास और बच गई, किसी के पास 20 जगह बच गई। उसके बाद वो पुरान नया बाजार वाली जो है वो सड़क आ जाती है। अब वो ये कहते हैं कि आपको हमने डिस्प्लेस किया, आपको दुकान के बदले दुकान दे देंगे। पहले तो जो पोर्शन लिया इतने तक कब्जा था वो तो एरिया गया, अब आपको अगर दुकान देंगे तो 5 गज जो आपका बचा उस 5 गज पे हम उसकी सर्कल रेट की कैलकुलेशन करेंगे और उसकी कीमत आंकेंगे कि अगर 5 गज गया है तो अगर 20,000 रुपये सर्कल रेट है तो 1,00,000 रुपये देंगे आपको सिर्फ, और आपको ये 5 गज जगह छोड़नी होगी जो आपके पास इस पोजिशन में है, इसी तरह का। और आपको जो जगह अलॉट करेंगे उस जगह की कीमत है 70,000 रुपये गज, या तो दुकान के बदले दुकान दे दो। अगर वहां पर 70,000 गज है तो एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी आदमी के 5 गज गए हैं तो 5 गज में 1,00,000 रुपए तो हम देंगे आपको 5 गज लेने के लिए, और उधर अलॉट करेंगे तो 3,50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और फिर वो मार्केट चलेगी नहीं चलेगी वो डबल स्टोरी। कल भी कमिश्नर का बयान हुआ था कि वो मार्केट तो बने बनेगी डबल स्टोरी है, ना उनको छत दे रहे हैं ना कुछ है, और कोई दुकानदार तैयार नहीं है किसी। ये एक 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 ये इतनी ज्यादती है वहाँ पर इस बात के लिए कि आपने इतनी बड़ी ज़ोर शोर से मुख्यमंत्री रेलवे मिनिस्टर सबने बड़ी ज़ोर शोर से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। चलो वो बात मैं बड़ी बार रिपीट कर चुका हूँ कि एक रेलवे लाइन का बाहर जाना रेलवे लाइन के एलिवेटेड में बहुत बड़ा अंतर होता है, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा या कुछ है, पर उनको आपने सड़क पे आए खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद आप कहते हैं हम यहाँ से 15 फुट की जगह 15 फुट का रास्ता बनाएंगे। जिन लोगों से 15 फुट का रास्ता मांग रहे हैं वो लोग रास्ता दे नहीं रहे किसी हालत में, तो उसकी आप कोई पॉलिसी बनाओ तो सही। आप गरीब आदमी को गरीब आदमी की मार के लिए करता हूँ, आज भास्कर ने भी लंबा चौड़ा इसमें वो लिखा है या कुछ है, पर है कि कहाँ से इसको इम्प्लीमेंट होगा ये बताइए तो सही, किस हालत में कैसे इम्प्लीमेंट होगा इस बात के लिए। ये लोगों के साथ ज्यादती है ज़बरदस्त, और इस मैटर के अंदर मैंने विधानसभा में मैटर टेकअप करूँगा, और मैंने विधानसभा के अंदर बाकायदा क्वेश्चन भी लगा दिया है, मैं उसकी कॉपी भी आपके सरप्सिस में साथ में दे रहा हूँ कि रेलवे हैज़ डिमोलिश अराउंड 30 shops ऑफ गांधी कैंप अलेजिंग दैट प्रॉपर्टी वॉज बिलोंग टू रेलवे। These shops were duly allotted as per law since 1955. Whether any procedure of law has been adopted for eviction and demolition, whether any compensation has been paid to displaced shopkeepers or not. ये मैं विधानसभा में सवाल लगाया, और फिर उसके बाद
जो स्कीम आपने रीसेटलमेंट की है वो लोगों तक आपने कमेटी ऑफिसर की, लोगों से जाके बात तो करो, लोग मानते हैं कि नहीं मानते क्या उस बात का है? रोज़ अखबारों में खबर छप जाती है कि गांधी कैंप ये कर दिया। अगर गांधी कैंप का नुकसान किया तो प्रीवियस सरकार ने नुकसान किया इस बात के लिए। और उसके बाद जो 15 फुट की आप रास्ता लेने की बात कर रहे हैं, उस बारे में सरकार की क्या पॉलिसी है? ज़बरदस्ती तो आप किसी से ले नहीं सकते, या आप दो और प्रॉपर्टीज खरीदते हो तो ई पोर्टल बनाते हो, ई पोर्टल पे बनाओ ई पोर्टल, लोगों को अपने रेट कोट करने दो वहाँ पर, उसके बाद नेगोशिएशन करो लोगों से, आपको ये रेट दिया जाएगा, ये रेट दे दिया जाएगा। अब 15 फुट जो ज़मीन दी जा रही है वो तो उनकी मलकीती है, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड मलकीती है, उसको खरीदने के लिए या उसके अल्टरनेटिव क्या देने के लिए एक ठीक तरह की सरकार से आग्रह करता हूँ कि पॉलिसी और इनका लोगों का जो रोज़ रोज़ का एक है कि कभी आज अखबार में आया था, कोई कहता है जी हम तो भूखे मर गए, कोई कहता है हम तो रिश्तेदार हमारे से गुजारा कर रहे हैं, कोई कहता है कुछ कहते हैं, इसका समाधान निकलना चाहिए। लोगों के साथ, गांधी कैंप के लोगों के साथ ये रेलवे रिलेटेड ट्रैक की बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, यही मेरा कहना है।